डॉक्टर साहब, आज आपने जो लेप्रोसी कैंपेन यहाँ पे चलाए तो क्या मकसद है इसके? देखिए, हमने जो 27 तारीख को हमने वर्ल्ड लेप्रोसी डे यहाँ मनाया, उसमें हमने पहले अपनी स्टाफ को, लावर डाउन जो स्टाफ था हमारे पैरामेडिक्स थे, उनको भी ट्रेनिंग दी। उनको हमने लेप्रोसी के बारे में बताया और हाउ टू बिहेव विद द पेशेंट्स ऑफ लेप्रोसी। जी, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज एज ऑन डेट 30 पेशेंट टोटल रजिस्टर्ड है। जी, उसमें से 2 पेशेंट हमारे एक्टिव हैं। जी, तो 28 हमारे रिकवर्ड हो गए हैं, तो इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी जो हम हर साल यहाँ पे इनको बुलाते हैं, हम एक छोटा सा किट इनको देते हैं, एक तोहफा देते हैं, जिसमें हमारे एक गर्म ब्लैंकेट होती है, हमारे इनर्स का, शूज का होता है, स्वेटर देते हैं, शूज देते हैं और सॉक्स देते हैं, मफलर्स देते हैं। तो इनको थोड़ा एक स्टार्टअप, हम एक ये एक मान लीजिए गिफ्ट देते हैं, और इनके साथ हमारे इनको बी कॉम्प्लेक्स दवाएं वो भी देते हैं, फर्स्ट एड किट भी देते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब, दूर दराज इलाकों में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, तो उनके लिए क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं आप? नहीं, उतने ज्यादा मरीज नहीं है। जो हमारे लेप्रोसी के मरीज होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं। जी जी, ये बिल्कुल ये हमारे नजर से बाहर नहीं होते हैं। हमारे टोटल 30 पेशेंट्स हैं। जी, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है या जो भी लोग हैं, अगर जो कोविड का कोई भी बीमार हो, कहीं पे भी है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे है, वो इतला दें ताकि हम इनको वक्त पे जांच कर लें, वक्त पे हम इनको इनकी ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल डिजीज है, ताकि उनके जो सोशल स्टिग्मा वगैरह इसमें कुछ नहीं है। हमारा मशवरा ये है कि वो इनको इस हेल्थ सेंटर पे लाए ताकि हम इनको ट्रीटमेंट शुरू करें और वो इस बीमारी से छुटकारा पाए।